मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे बहुत पर्पज नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो मेरा थिंकिंग ही ठीक नहीं है, मुझे नर्वसनेस आ रहा है, ऐसे अलग अलग सिम्टम्स लेके लोग मेरे पास में आते रहते हैं। कंफ्यूज हूँ और समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रह रहा है, पढ़ाई ख्याल में नहीं रह रही है, काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, काम में जाना ऐसा लगता नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे सिम्टम्स लेके लोग मेरे पास में आते हैं। लड़के लोग उनके माँ बाप उनको लाते हैं बच्चों को और बोलते हैं कि देखो इसका आजकल ना पढ़ाई में मन ही नहीं है, पढ़ाई करता ही नहीं है, पढ़ाई करता है तो उसके दिमाग में रहता नहीं है, ऐसे सिम्टम्स लेके ऐसे प्रॉब्लम्स लेके लोग आते रहते हैं। क्या है कि लोगों को डायरेक्शन नहीं है, करना क्या है, पर्पस क्या है, डायरेक्शन नहीं है। अभी एक एम कॉम सेकेंड ईयर में लड़की आई मेरे पास में, जो एम कॉम सेकेंड ईयर में है, उसको मैंने पूछा, जब वो बोल रही मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दिमाग हल्का हल्का लग रहा है, फिर मुझे ऐसा लगता है आभास कि कोई तो भी है आगे पीछे मेरे, ऐसे विचार आते रहते हैं। मैंने भाई तू क्या करने वाली है इसके बाद में, तो बोले पता नहीं, मैंने एम कॉम बन रही है, सेकेंड ईयर को एम कॉम बनेगी, अभी एम कॉम हो जाएगी, बाद में क्या है मालूम नहीं, देखेंगे सोचेंगे। लोग डायरेक्शन लेस है, लोगों को मालूम ही नहीं है, लोगों को गोल्स नहीं है, लोगों को समझ में आता नहीं कि आगे क्या करना है, वो एक कारण है। दूसरा कारण है कि लोग निर्णय नहीं ले पाते, इनडिसिसिवनेस है, और फिर लोग प्रोक्रास्टिनेट करते रहते, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, फिर बहुत सारा जंबलिंग दिमाग में हो जाता है, बहुत सारे काम दिमाग में आ जाते हैं, और फिर उस समय फिर क्या करना समझ में नहीं आता, फिर कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तीसरा है कि पर्पस नहीं है, करना क्या है या उद्देश्य क्या है अपने लाइफ का, वो ठीक नहीं है मालूम, और पर्पस ही नहीं है तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पर्पस नहीं है लाइफ का, मतलब क्यों जी रहे, लाइफ का मकसद क्या है, लाइफ जीना क्यों है, लाइफ होता क्या है, क्योंकि लाइफ अदरवाइज लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड। लोगों को पूछा कि व्हाट इज लाइफ, जिंदगी है क्या, तो लोग बोलते मालूम नहीं, बस जी रहे हैं क्योंकि पैदा हुए, अब पैदा हुए भूख लगती है करके कमाना पड़ेगा, फिर कुछ तो भी काम करते कमाते खाते पीते और एक दिन मर जाते, तो लोगों को मालूम ही नहीं कि लाइफ क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, डायरेक्शन क्या है, निर्णय कैसा लेना है। फिर उसमें ओवरथिंकिंग बहुत है, फाइनेंशियल स्ट्रेस लोगों को बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि जितना कमाते उससे भी ज़्यादा खर्चा करते हैं। आजकल लोगों की ऐसी वृत्ति हो गई है कि मजे करो, चैन करो, पैसा खर्चा करो, पैसा नहीं है तभी भी जो पैसा आगे कमाने वाले वो भी आज खर्चा कर डालो, मतलब ईएमआई भरो, क्रेडिट कार्ड के ऊपर उड़ाओ पैसा, और फिर लोग नर्वसनेस में आते हैं, घबराहट हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या करना है, फिर इसके बाद में घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी फील करना, डिप्रेस्ड लगना, और फिर उसके साथ साथ फिर बॉडीली सिम्टम्स होते हैं। कितने सारे लोग मेरे पास में आते कि बोलते कि ना बहुत सरदर्द करता है, अर्धशीर्ष आधा सरदर्द दुखता है, फिर बदन में दर्द हो रहा है, गर्दन अकड़ गई है, कमर में दर्द है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, काम में उत्साह नहीं है, बहुत थका थका सा लगता है, ऐसे सिम्टम लेके लोग फिर आते रहते। उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लो, जांच कर लो, सब नील, रिपोर्ट्स आर नील, करना क्या है, तो फिर मैं उनको काउंसलिंग के लिए लेके बैठता हूँ कि भाई आगे आप पहले ये करो कि भाई आपका डायरेक्शन क्या है लाइफ का, वो देखो, पर्पस क्रिएट करो, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपको करना क्या है, आप आगे आने वाले 5 साल में क्या करने वाले हो लिखो। फिर दूसरा मैं उनको बोलता हूँ कि जितने भी काम करने की आपकी इच्छा है, जितने भी आपकी ज़िंदगी में, वो पूरी लिखो, जो भी आपको आप करना चाहते हो वो लिखो। तो पूरा दिमाग में उनका कागज़ के ऊपर लाता हूँ, लिखो, और जब वो कागज़ के ऊपर लाते फिर मैं बोलता हूँ कि अभी लिखो इसके सामने, वो कब करने वाले हैं, टाइम क्या है, डेट क्या है उसकी, कब करना है, या नहीं नहीं अभी तो बोल नहीं सकते हैं, टाइम क्या है, कब करने वाले हैं, डेट क्या है, नहीं नहीं अभी बोल नहीं सकते। मेरा जब आप डेट और टाइम नहीं डाल सकते ना, उसको काट डालो, वो आप करने वाले नहीं है, और यदि करना सच में चाहते तो उसके सामने डेट और टाइम डालो। हाँ, फिर उनका दिमाग काफ़ी शांत हो जाता है, हल्का हो जाता है, और फिर मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि आपको लॉजिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, रिलेवेंट थिंकिंग करना पड़ेगा, रियलिटी बेस्ड थिंकिंग करना पड़ेगा, कि भाई मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा डरावना रहता हूँ, क्या ये सच है, मैं जो सोच रहा हूँ ऐसा होने वाला है, मैं कितना फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, कितनी चिंता फिक्र कर रहा हूँ जो होने वाला ही नहीं है, और जब मैं फ्यूचर में हूँ या पास में हूँ तो कंफ्यूज रहूँगा, मुझे मालूम ही नहीं क्या करना है। तो ना पास के बारे में सोचो क्योंकि वो हो चुका है, अभी आने वाला नहीं है, फ्यूचर पता नहीं कब आएगा, कौन सा आएगा, फिर लिव इन द
प्रेजेंट, उससे आपका कंफ्यूजन कम हो जाएगा। माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करो, सेल्फ हिप्नोसिस करो और लिव इन द प्रेजेंट, बी 100% प्रेजेंट, प्रेजेंट टू द प्रेजेंट। ये आप करते हैं डेफिनेटली तो मजा आएंगे। उसके साथ साथ आप आपका पैशन पूरा करो, जिसमें मजा आता है ना वो काम करो। बहुत मजा आ रहा है वो काम यदि आप करते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन लगेंगे नहीं, क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हैं। वर्क इज योर प्ले, ऐसा होना चाहिए। पैशन है वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उसके साथ साथ आप 8 घंटे की नींद लेते हैं, शांत सोते हैं। नंबर 2, बैलेंस डाइट लेते हैं। बैलेंस डाइट जिसमें सैलड है, फ्रूट्स है, तो बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट लेते हैं। तीसरा, इनफ ऑफ फ्लूइड्स, मतलब पानी ज़्यादा पीना, 3 से 4 लीटर फ्लूइड लिक्विड आप लेते दिन भर में। स्ट्रेस कम करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस कम लेना। और फिर आपकी शुगर लेवल जो है वो चेक करना। कभी कभी क्या होता है कि डायबिटिक लोग जो है उनकी शुगर लेवल कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, वो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, मतलब एक्चुअली वो प्रॉब्लम है शारीरिक। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का भेजे का ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, कभी कभी अटैक आ जाता है और उससे फिर उनको कन्फ्यूजन आता है, तो एक्चुअली वो रियल कन्फ्यूजन है, मतलब शारीरिक बदन में प्रॉब्लम आया उसके लिए वो कन्फ्यूजन आ रहा है, तो वो तो उसका इलाज करना होगा और वो भी आपको ट्रीट करना होगा। अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनको कन्फ्यूज स्टेट कभी कभी आ जाती है, बहुत ज़्यादा पी लेते हैं फिर कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, तो वो रियल कन्फ्यूजन। और दूसरा एक है साइकोलॉजिकल कन्फ्यूजन, ये दोनों का भी मतलब डिफ्रेंसिएशन होना जरूरी है। और मैंने जो बातें बताई अभी वो आप फॉलो करते हैं तो साइकोलॉजिकल कन्फ्यूजन है वो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा, आपको शांत लगेगा, रिलैक्स लगेगा, नींद अच्छी आएंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप बहुत मजे से जीवन जीना चालू करेंगे, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी जीवन में आएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।